ब्यूटीफुल व्यू मिल रहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि बजट में है। देखिए कॉटेजेस से कितना प्यारा व्यू मिल रहा है सनडाउन का। अभी इवन सनसेट हो चुका है, हम क्योंकि वॉक पर चले गए थे इसलिए हम सन डाउन नहीं देख पाए, लेकिन सनसेट के टाइम पे बहुत सुंदर लग रहा है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि पेंटिंग। यहाँ पर सिर्फ आना और आकर चले जाना कोई फायदा नहीं है, यहाँ इसको फील करो, कम से कम 2-3 दिन आकर रहो यहाँ और इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर करो। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओके एक्सपर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। आप ये लेख देखकर समझ गए होंगे कि हम फिर से एक बार झीलों के शहर में आ गए हैं, लेकिन इस बार हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, हम तो घूमते ही रहते हैं। आज हम बच्चों की डिमांड पर आए हैं क्योंकि उनके वेकेशन शुरू हो गया है, एंड आई एम श्योर आपके घर में भी सारे बच्चे शोर मचा रहे होंगे कि हमें घुमाने लेके चलो। इसीलिए आपके लिए आज एक और अलग ऑफ बीट लोकेशन में हम जा रहे हैं, क्योंकि नैनीताल तो देखिए आप लोग बहुत बार आए होंगे, भीड़ भाड़ हमेशा ही रहती है, लेकिन ऑफ बीट लोकेशन जैसा कि हम हमेशा प्रेफर करते हैं रहने के लिए भी, तो हम पंगोट के आगे गुगु खाम एक जगह है, लगभग 8 किलोमीटर आगे है ये, तो वहाँ पर आज लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर वेदर हमेशा ही बहुत औसम रहता है, तो गर्मी के मौसम में अगर ठंडा वेदर मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। चलिए चलते हैं, कैसी जगह है और क्या और चीज़ें हैं वहाँ पर घूमने के लिए वो हम आपको बताएंगे। देखिए कितनी एक्साइटमेंट दिख रही है इनके फेसेस पे, क्योंकि इनको जाना था, इन्होंने जैसी एक्टिविटीज़ देखी, ये सरिता ताल पर है हम लोग अभी, और यहाँ पर इन्हें ये बॉल दिखी तो इनको, इन्होंने ज़िपलाइन तो बहुत बार की हुई है, बोटिंग भी की हुई है, तो इस बार इन्हें बॉल के अंदर जाना है। 200 रुपीज़ पर हेड इन्होंने चार्ज बताया है, एक्सपीरियंस ये बाद में बताएंगे। ट्रैफिक देखकर आप समझ गए होंगे कितना रश है यहाँ पर, इवन रास्ते में जगह जगह पर पुलिस चेकिंग कर रही है और पूछ रही है कि आपको जाना कहाँ है, अगर बुकिंग है तो ही आगे जाने दे रही है। तो यहाँ से अब हम पंगोट की तरफ जाएंगे। आज तो पंगोट तक हमें पूरा ट्रैफिक मिला है, कैसे पहुंचे हैं, सुबह 6 बजे जर्नी शुरू की थी, 6:30 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं, जबकि जनरली हमें 5-5.5 घंटे लगता है यहाँ तक आने में, लेकिन अब जाके देखिए वेदर इतना प्लेजेंट हो गया है, यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है, और यहाँ से क्योंकि हमने बताया पंगोट से 8 किलोमीटर हमें गुगु खाम की तरफ जाना है, देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ से ये जो सीधा रास्ता जा रहा है यहाँ पर ब्रह्मस्थली मंदिर और कुंजा खरग ये बहुत फेमस जगह हैं, हम कोशिश करेंगे इस बार इनको एक्सप्लोर करने की, लेकिन अभी पहले चलते हैं रिजॉर्ट की तरफ। चलिए इतनी भीड़ भाड़ के बाद फाइनली हम डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, बहुत सुंदर जगह है ये, देखिए सामने पूरा वैली व्यू जो दिख रहा है, और यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है यहाँ का वेदर, एकदम से चेंज हो जाता है, और स्पेशली जब यहाँ पर मॉनसून में आप आते हैं ना तब तो इतना पूरा फॉग से ढका रहता है ये सब, बहुत सुंदर लगता है। तो फिलहाल हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं गुगु खाम, और यहाँ पर वैली व्यू कॉटेजेस में आज हमारा स्टे है। यहाँ पर इनकी 2 वुडन कॉटेजेस हैं ये फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ से हमें ब्यूटीफुल व्यू मिल रहा है, और कुछ इनके नॉर्मल रूम्स भी हैं, तो लेकिन सबसे अच्छी बात है कि बजट में है। तो इससे पहले कि हम रूम को ख़राब कर दें, क्योंकि आज तो बच्चे भी हैं हमारे साथ, पहले आपको रूम दिखा देते हैं और उसके बाद यहाँ पर जैसा कि ये एरिया फेमस है बर्ड वॉचिंग के लिए हम ज़रूर जाएंगे, और आसपास और भी कुछ ट्रैक्स एंड ट्रेल्स हैं वो भी दिखाएंगे आपको। तो ये है हमारा ब्यूटीफुल वुडन कॉटेज, स्पेशियस जैसे कि आप देख रहे हैं, जगह बहुत है कॉटेज के अंदर, और सबसे अच्छी चीज़ जो ऊपर आपको दिखेगी यहाँ पर सीढ़ियों से जाकर लॉफ्ट, जहाँ पर ऑलरेडी बच्चे सेट हो गए हैं, सिटिंग एरिया है, बेड से बहुत सुंदर व्यू है क्योंकि सामने ग्लास है। हेलो
कॉटेजेस अगर पूरी वुडन की हो ना तो वैसे ही एक रिच लुक आ जाता है। हेलो, तो बच्चों बताओ कैसा लग रहा है वहाँ पे? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, कितना अच्छा। और तुम लोगों ने उसके बारे में भी नहीं बताया, तुम वहाँ पे बॉल में जब घूमे थे, गोल गोल घूमे थे। यहाँ से हम कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं नीचे। और देखिए यहाँ लॉफ्ट से भी आपको व्यू तो मिलता ही है विंडो से, साथ में फ्रेश एयर मिल जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ ग्लास लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा विंडो ओपन कर सकते हैं आप। यहाँ लॉफ्ट में भी इनफैक्ट जगह पूरी है, मुझे तो बल्कि लग रहा है कि एक मैट्रेस यहाँ पे और डाल दें तो 3 से 4 लोग ऊपर सो सकते हैं, है ना। वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस है। इवन अगर मैं कहूँ, देखिए आपको बहुत ज़्यादा लग्जीरियस हम नहीं कहेंगे, लेकिन एमिनिटीज़ यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी हैं। और देखिए हम अपने कॉटेज से निकलकर अब आपको दूसरा कॉटेज दिखाते हैं। ये भी एग्जैक्टली सेम है, ऊपर लॉफ्ट है और नीचे पूरा स्पेस भी इवन पूरा सेम है। यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं, काफी स्पेस है। इंटरकॉम भी दिए हुए हैं रूम्स में, ये अच्छी चीज़ है। और देखिए वॉशरूम भी बिल्कुल सेम है। और अगर देखिए आप दो फैमिलीज हैं या दोनों कॉटेजेस अगर आप बुक करते हैं तो ये पूरा बालकनी एरिया आपको अपने लिए पर्सनली मिल जाता है। सामने कुछ रूम्स देख रहे हैं, ये भी इन्हीं के हैं, और यहाँ से आई एम श्योर और अच्छा व्यू आपको, ओपन व्यू मिलेगा, तो वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले भूख लगी है, लंच का टाइम हो गया है, तो सबसे पहले लंच कर लेते हैं। हमने फूड ऑर्डर कर दिया है, यहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों तरीके का फूड मिलता है, लेकिन हम वेजिटेरियन फूड खाएंगे। तो हम बताएंगे आपको वैली व्यू कॉटेजेस आपको आना कैसे है, क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं जैसे हम आए हैं तब तो आप सीधा गूगल लोकेशन डालिए, आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आना चाहते हैं तो आप काठगोदाम तक तो बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, और बाय बस अगर आना चाहें तो नैनीताल तक आ सकते हैं। काठगोदाम से और नैनीताल से आपको टैक्सी सर्विसेज मिल जाती है, क्योंकि इनकी अपनी टैक्सी सर्विसेज है, तो ये आपको फ़ायदा हो जाएगा। जो चार्जेस इन्होंने अभी बताए हैं टैक्सी के, वो आपको काठगोदाम से अगर आप आते हैं तो लगभग जनरली 2500 रुपये का चार्ज है, और नैनीताल से 1500 रुपये का। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो ऑफकोर्स आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही। बच्चों को बहुत भूख लगी है और इनको कुछ स्नैक्स खाने का मन था, तो हमने ये चिली गोभी, और वैसे इसमें कैप्सिकम भी है, तो ये इनको क्योंकि पसंद भी है। वैसे तो हम क्रिस्पी वेज ज़्यादा खाते हैं, तो ये उसी तरह से कुछ बनाया है इन्होंने। तो जब तक हमारा मेन कोर्स आता है हम ये खाते हैं। टेस्ट करके बताओ बच्चे। और हम मेन कोर्स में आ गए हैं अपने फेवरेट फूड पे, कढ़ाई पनीर, दाल, मिक्स वेज, राइस एंड सैलेड, और गर्मा गर्म रोटियाँ आने वाली हैं। और खाने की क्वांटिटी देख के लग रहा होगा कि हमें कितनी भूख लग रही है। चलो शुरू करते हैं। अब रोटी का वो आ गई नहीं, मम्मी ने चावल डाले। अच्छा अभी शूट करने में बिजी है ना, इसलिए इनकी रोटी मेरे पास आ गई है। लेकिन देखिए फुलके गर्मा गर्म देख के, वैसे तो हमें देखो स्नैक से ही पता चल गया है कि खाने का टेस्ट कैसा है। कैसा था बच्चों? यमी। और खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, देखने से बहुत यमी लग ही रहा है। और टिया खा चुकी है दाल। खाना देखो, खाना अगर ऐसी जगह पर अच्छा मिल जाए ना तो बहुत अच्छी चीज़ है। कभी आपने जून मंथ में गाजर का हलवा खाया है? मैंने जब सुना कि डेजर्ट में गाजर का हलवा और गुलाब जामुन का ऑप्शन था, तो ऑफकोर्स हमें चूज़ करना था गाजर का हलवा, जबकि ये जो ये वो होती है ना फ्रोजन, नहीं, अच्छा ये पहाड़ी गाजर का हलवा है। तो और टेस्ट कैसा है? बिल्कुल जैसा गाजर का हलवा होता है। मुझे लगा था कलर देख के कि शायद ये डिफरेंट गाजर हैं तो टेस्ट भी डिफरेंट होगा, बट बहुत टेस्टी है।
हमने अपने कॉटेजेस आपको दिखाए हैं और ये सामने वाले रूम्स भी हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अगर बजट कम है तो आप ये वाले रूम्स ले सकते हैं, लेकिन इनके इन रूम से व्यू बहुत अच्छा है। रूम्स के बाहर आपको स्पेस मिल रहा है, यहाँ भी रूम्स बिल्कुल, क्योंकि अभी ये इन्होंने नए बनाए हैं, पूरी प्रॉपर्टी ही नई है, आपको सब कुछ नीट एंड क्लीन मिलेगा। वॉल्स भी देखिए बिल्कुल क्लीन क्लीन, और कुछ चीज़ें अभी एड ऑन होंगी, जैसे अभी हम देख रहे हैं इस रूम में टीवी नहीं है, लेकिन मैंने उनसे कंफर्म किया तो वो कह रहे थे कि अभी हम टीवी लगवाएंगे इसमें, लेकिन अदरवाइज़ आपको बेसिक एमिनिटीज़ इसमें सारी मिलती हैं। और यहाँ विंडो से आपको बहुत प्यारा व्यू मिलता है और साथ ही फ्रेश एयर। इस तरह के इनके पास चार रूम हैं, दो रूम ऊपर फ्लोर पे हैं और दो रूम नीचे हैं, तो एक रूम मैं आपको नीचे वाला भी दिखाती हूँ, और दो कॉटेजेस हैं, तो टोटल 6 रूम्स की अभी इनके पास इन्वेंट्री है। वॉशरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, देखिए कुछ स्टेप्स नीचे आएंगे आप और यहाँ पर आपको ये मिलता है रूम। अरे वाह, ये रूम तो मुझे उससे भी बड़ा लग रहा है। रूम्स काफी स्पेशियस हैं इनके, इवन सारे ही। और वॉशरूम्स भी सारे बहुत बड़े बड़े हैं। रूम बड़ा होने के साथ साथ इसका विंडो भी बहुत बड़ा है, पूरा ग्लास वाइट ग्लास है, तो यहाँ बेड से बैठकर देखिए आपको इतना प्यारा व्यू मिलेगा। तो अगर आप ये रूम्स लेते हैं तो आपको बहुत ही बजट में मिल जाएगा, 3500 रुपीज में आपको मिलेगा विद ब्रेकफास्ट फॉर 2 पीपल। और अगर आप विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर लेना चाहेंगे, वेज नॉन वेज दोनों ही फूड यहाँ पर सर्व किया जाता है, तो 1000 रुपीज़ आपका बढ़ जाता है, 4500 रुपीज़ में आपको मिलेगा। रेफरेंस देना ना भूले, डिस्काउंट आपको ज़रूर मिल जाएगा। जो कॉटेजेस हमने आपको दिखाए हैं उनका टैरिफ 5500 रुपये, 5500 रुपये है फॉर 2 पीपल इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो अगर आप उसमें एक्स्ट्रा पर्सन, क्योंकि ऐड हो जाते हैं, वहाँ 4 लोग रह सकते हैं, मैक्सिमम 5 लोग रह सकते हैं, इन रूम्स में भी आप एक्स्ट्रा बेडिंग ले सकते हैं एक्स्ट्रा पर्सन चार्ज के साथ 1500 रुपीज इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। इतना मज़ा आया हम लोग अपने कॉटेज से यहाँ आगे रास्ते पर पैदल पैदल चलते हुए आए हैं। मज़ा आया भाई? एक्सप्रेशंस बताओ कैसा लगा? सीरियसली इतनी शांति है यहाँ पे, और मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस टाइम नैनीताल में क्या हो रहा होगा, क्योंकि जब हम रास्ते में ही आए थे इतनी भीड़, इतना शोर था रोड पर, जबकि हम नैनीताल तो गए नहीं थे, हम एक शॉर्टकट से आए थे। लेकिन सच में इस टाइम, और जबकि ये वीकेंड नहीं है, वीकडेज में ये बुरा हाल है तो वीकेंड्स पे क्या होगा पता नहीं। मुझे लगता है कि हमें ऐसी प्लेसेस ढूंढनी चाहिए। हम आपके लिए इतना काम कर रहे हैं तो कम से कम चैनल तो सब्सक्राइब कर दो भाई, इतना ही सपोर्ट काफ़ी है। जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे गर्म शहरों में बैठकर, उन्हें लग रहा होगा कि अरे इतनी गर्मी में ये बॉनफायर पे बैठे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे बहुत ठंडा हो रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर इसीलिए आना चाहिए अगर गर्मी से बचना है और ठंड में आना है। काफ़ी गर्माहट तो हमें ऑलरेडी मिल गई है, बच्चे भी गर्म हो गए हैं, और कुछ गर्माहट हमें सूप से मिल जाएगी। फूड यहाँ का बहुत अमेजिंग है, और हमने लंच भी किया, अभी डिनर भी करेंगे तो उसके बारे में भी बताएंगे। बट सूप कैसा है? सूप भी अच्छा है, स्पाइसी। हाँ, हमसे पहले देखिए हमारे व्यूअर्स यहाँ पर आ गए हैं, और बहुत अच्छा लगा हमें इनसे मिलकर। हमारे साथ वाले रूम में ही थे, लेकिन हमें इन्होंने एकदम से नहीं रिकग्नाइज़ किया, बच्चों ने हमें रिकग्नाइज़ किया। हाँ जी, अच्छा। वैसे भी ना जनरली लोग मुझे बाय फेस नहीं पहचानते, मेरी आवाज़ से पहचानते हैं। तो जब बच्चों ने पूछा कि आपका चैनल है, हमने बताया, तो उन्होंने कहा हम तो आपका चैनल ही देख के आए हैं। तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? अच्छा, आजकल वैसे आप क्योंकि वेकेशंस हो गए हैं तो जगह जगह से आ ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सबसे ज़्यादा भीड़ हम देखने को मिलती है हमें। आप लोग शायद यहाँ से पहले कहाँ, नैनीताल रहे थे? बताइए नैनीताल में और यहाँ में क्या डिफरेंस है? हाँ, क्योंकि अभी हम जब आए थे आज, हमने देखा रास्ते में इतना क्राउडेड था, ओ माय गॉड, और यहाँ कितना पीसफुल है। तो हम तो हमेशा अपने वीडियोस में आपने देखा होगा ऐसी ही जगह ढूंढते हैं, और इसीलिए आपको दिखाते हैं ऐसी ऑफबीट लोकेशंस। लोग आपको फॉलो
करके आते हैं। वही तो मैं कह रही हूं हम आपसे। हां जी हां जी हां जी, बहुत अच्छा लगा। सो इट्स डिनर टाइम, हमारा डिनर बिल्कुल रेडी है। और जैसा कि बहुत लोग जानते हैं कि हम ज़्यादातर रात को खिचड़ी खाना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं खिचड़ी खाना। तो हम खाने वाले हैं आज कुमाऊनी खिचड़ी। बेसिकली इसमें राइस में, आप इसको कह सकते हैं पुलाव और खिचड़ी का ये मिक्सचर है, क्योंकि इन्होंने खिचड़ी स्टाइल में उसमें सारे वेजिटेबल्स डाल दिए हैं, तो ये बन गया है कुमाऊनी खिचड़ी, जो कि हम दोनों खाने वाले हैं। और बच्चे क्या खाने वाले हैं? इनका स्पेशली स्पेशल दाल मखनी है और मटर मशरूम, उसके साथ ये फुलके खाएंगे। और खाने के बाद बताएंगे कि खाना बेस्ट क्या था, ये बताना। ठीक, हम तो खाने का फीडबैक हमेशा ही देते हैं, खाना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, और सबसे बेस्ट क्या था? दाल मखनी। लेकिन हमारे फीडबैक से ज़्यादा ज़रूरी है अदर व्यूअर्स का फीडबैक, क्योंकि हमारे साथ देखिए पूरी फैमिली है हमारी। तो ये बताएंगे आज फीडबैक कि खाना कैसा था, बताओ। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। दाल मखनी तो बहुत अच्छी थी। हाँ देखो, इनको भी दाल मखनी अच्छी लगी। सबसे अच्छा पनीर था। ओह, इधर पनीर वाले, पनीर के शौकीन भी बैठे हुए इधर। ये भाई सैलेड भी लेके आए, बहुत अच्छा रैप कर, अच्छा लगा मुझे। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन अच्छी है और सर्विस भी अच्छी है, क्विक सर्विस। जब आपकी खीर इतनी अच्छी मिली है कि जैसे हम तो घर पे बनाते हैं वैसे ही फुलके छोटे-छोटे बोल रहे हैं ना, मक्खन लगा के दिए। तो ओवरऑल देखिए अब आपको फीडबैक मिल गया है खाने का, बाकी सारी चीजें हमने आपको बता दी है। अब कल सुबह की तैयारी है, सुबह मिलते हैं नेचर वॉक पे। गुड मॉर्निंग, देखिए कितनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग है। टाइम देखिए 5:21 और यहाँ पर 13 डिग्री टेम्परेचर है अभी। और यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी बर्ड्स की अभी आवाज़ आ रही है, हम इन्हें देखने जा रहे हैं। बर्ड वॉचिंग के लिए ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पर आकर आप नेचर को ही इन्जॉय करते हैं। लग्जरी तो आप हर जगह ले लेते हैं। हम इन्हीं की गाड़ी में इनके साथ जा रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत प्यारी जगह है, ब्रह्मस्थली, ब्रह्मा जी का मंदिर है, और उसे चाइना पीक भी कहते हैं, क्योंकि बहुत टॉप पे है वो। और लगभग 1.5 किलोमीटर उसमें ट्रैकिंग है, बाकी यहाँ से पहले 8 किलोमीटर आप गाड़ी से जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। वाओ, इतनी प्यारी जगह, सीरियसली हम इसी के लिए तो आए थे यहाँ पे, हमारा आना सफल हो गया। इतने पूरे रास्ते में इतने बड़े बड़े ओक ट्रीज़ और देवदार ट्रीज़ हैं यहाँ पर, मैंने इतने बड़े पेड़ नहीं देखे हैं। जनरली ओक ट्रीज़ तो कम हाइट के होते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हैं और पूरा रास्ता भरा पड़ा है इनसे। बहुत खूबसूरत रास्ता है ये, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा आगे जाने का, पर चलते पहुँचते हैं ब्रह्मस्थली पर। वाओ, पूरी फैमिली है ये तो, इतनी ब्यूटीफुल प्लेस। देखिए यहाँ पे पूरी हमें वाइल्ड लाइफ देखने को मिल रही है, इतनी सुंदर सुंदर बर्ड्स, लेकिन हम जब उन्हें कैप्चर करने जाते हैं तो वो उड़ जाती हैं। उसके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है और बहुत टाइम की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें ये माउंटेन गोट्स भैया ने बताया, दूर से देखने पे हमें तो डियर लग रहे थे, ये पूरी की पूरी फैमिली है यहाँ पर। हम पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन जहाँ हमें पहुँचना था। यहाँ से ब्रह्मस्थली का ट्रैक शुरू होता है, माता के दर्शन हो गए सबसे पहले, और यहीं पर बायोडाइवर्सिटी ट्रेल यहाँ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ से बिल्कुल स्टीप है, 1.5 किलोमीटर ऊपर, तो हम कितना चलते हैं देखते हैं। दिस इज एक्चुअल नेचर ट्रैक। ऐसी जगहों पे देखिए, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, इतनी प्यारी जगह है ये। यहाँ पर सिर्फ आना और आकर चले जाना कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ इसको फील करो, कम से कम 2-3 दिन आकर रहो यहाँ और इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर करो। नैनीताल की ये सबसे हाईएस्ट पीक है और यहाँ से व्यू इतना अल्टीमेट दिखता है आपको। हमें सुबह जल्दी उठकर आना था, इसलिए हम बच्चों को नहीं लेकर आए, लेकिन अब वो उठ गए होंगे तो हमें टाइमली पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमें आगे दूसरी डेस्टिनेशन पर जाना है।
तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा कि हम कहाँ लेकर जाने वाले हैं आपको। हमने माउंटेन गोट्स तो इतनी सारी देखी, कुछ ब्लैक डियर्स भी थे। अगर हम थोड़ा सा और अर्ली आते ना तो हमें और अच्छी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती यहाँ पे। जो लोग बर्ड वॉचिंग करते हैं सच में उनके लिए बहुत प्यारी जगह है ये। विनायक खलाड़ 1 पैदल मार्ग दिख रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पर। लंबाई जिसकी 9 किलोमीटर है। भैया हमें सारे बर्ड्स एक साथ दिखा रहे हैं फोटो में। हाँ ये तो, ये वाली तो हमने अपने कॉटेजेस में देख ली थी। और ये जहाँ हम पॉइंट पे रुके नहीं थे, जहाँ ड्रोन वाला। हाँ राइट राइट। और ये वाली देख, ये देख, ये हमने अभी रास्ते में देखी। ये वाली नहीं देखी। ये सारे हमें देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए। तो 9 किलोमीटर अगर आप 1 के अंदर जाएंगे तो 100% आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास समय की हमेशा कमी रहती है, और यहाँ पर आने के लिए आपको क्योंकि परमिशन की ज़रूरत होती है, तो वो अगर आप इनके साथ आते हैं तो इनके क्योंकि ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये परमिशन इजीली ले लेते हैं आपके लिए। तो बेटर रहेगा अगर आप इनके साथ आएंगे, अदरवाइज़ आप खुद से ऑनलाइन परमिशन ले सकते हैं। आज बहुत मज़ा आया हमें मॉर्निंग नेचर वॉक में। बच्चों ने मिस कर दिया क्योंकि इन्हें इनकी नींद पूरी नहीं होती, तो फिर ये पूरा दिन चिड़चिड़ करते हैं, इसलिए हम इन्हें लेके नहीं गए। बाकी देखिए यहाँ के बारे में मैं बता देती हूँ आपको। बहुत ही कंफर्टेबल स्टे हमारा रहा, बहुत मज़ा आया, हमने एंजॉय किया। क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें नेचर में आके रहना होता है ना, वो हमें यहाँ पे मिल गया। और जब आप यहाँ पर आएँ तो जो नेचर वॉक है उसे मिस ना करें। खाना बहुत टेस्टी है, तो फूड आप यहाँ पर अपने सारे मील्स ले सकते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए इनको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इनके नंबर्स दिए हुए हैं बुकिंग के लिए। कुछ क्योंकि इनके जो हमने आपको नॉर्मल रूम्स दिखाए हैं, अगर आप लॉन्ग स्टेज के लिए आते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी डील मिल सकती है। क्योंकि वाईफाई यहाँ पर आपको अच्छा मिल जाएगा, कनेक्टिविटी अच्छी है। मोबाइल नेटवर्क्स नहीं है बट वाईफाई अच्छा है। और हमें क्या चाहिए होता है लॉन्ग स्टेज के लिए, तो यहाँ पर इतनी पीसफुल जगह पर आकर आप रहिए। चैनल जो पहली बार देख रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी बहुत सारी ऑफबीट लोकेशंस आपको दिखानी है हमें। ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे हर हर गंगे जी। बस शॉर्ट ही नाश्ते में पोहा पूरी पराठा पूरियाँ आहा पूरी देख के। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।